सो हेलो फ्रेंड्स नाउ विल डिस्कस अबाउट द डी एन एस फुट प्रिंटिंग ये एक मैथड है इसको आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ यू कैन से अपडेटेड वर्जन और मॉडिफाइड वर्जन दैट ऑफ एम्सा है ना कैसे बोल सकते हैं कि हमने अभी जो पढ़ा है ना मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एम्सा का कि जो प्रोटीन जो डी एन ए है ना डी एन ए क्या करता है बाइंड कर जाएगा किसी प्रोटीन के साथ है ना फिर हम क्या चेक कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कहां पे चेक कर रहे हैं एग्रोज में अगर मैं इससे पहले एक स्टेप और ऐड कर दू क्या स्टेप ऐड मैं यहां पे मैंने स्टेप ऐड कर दिया डीएनए ट्रीटमेंट अब ये डीएनए क्या है एंजाइम है जो कि डीएनए को ब्रेक करेगा ठीक है तो कैसे करना है इसको देख लेते हैं ठीक है कि आपने किया डीएनए है हमारे पास जिसको आप चाहते हो कि इसका आप चेक कर रहे हो कि इट इसकी प्रोटीन की एफिनिटी है या फिर फूड आप देख रहे हो कि पर, कोई पर्टिकुलर प्रोटीन की इसकी एफिनिटी है कि नहीं है ठीक है जो इमसा में भी हम यही चेक करते थे कि प्रोटीन की कोई एफिनिटी डीएनए के साथ है कि नहीं है और कहाँ पर है ना पोजिशन चेक करना चाह रहे अब हमने क्या किया कि इस प्रोटीन सबसे पहले डी को हमने क्या किया पी सी आर क्या पी सी आर से क्या हुआ एम्पलीफाइड हो गया अब इस एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट को हमने क्या किया दो पार्ट में डिवाइड कर लिया यानी दो हम मिक्सचर्स बना देते हैं ठीक है, हम दोनों को हमने क्या किया रेडियो लेबल कर दिया एंड लेबलिंग कर दी वी हैव डन द एंड लेबलिंग एंड नाउ व्हाट विल डू विल ट्रीट विद दैट ऑफ आप क्या करते हैं एक को आप इंक्यूबेट करो विद प्रोटीन इंक्यूबेट करो प्रोटीन के साथ ठीक है और एक सेट और लिया हमने हमने बोला कि दो दो में डिवाइड करेंगे पीसे सेट को दूसरे को हमने प्रोटीन इंक्यूबेट नहीं करना है ठीक है अब क्या करोगे जब आप प्रोटीन इंक्यूबेट कर रहे हो इसको नहीं कर रहे हो तो आपने क्या किया ये लो मान लो इसको मैंने बोल दिया एक्सपेरिमेंटल ठीक है जी एक्सपेरिमेंटल लगा लिया मैंने इसको और ये सेट हमारे पास हो जाएगा कंट्रोल क्या हो जाएगा कंट्रोल ठीक है जी अब एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा कि जब आपने डीएनए को इंक्यूबेट किया किसके साथ प्रोटीन के साथ तो जहां जहां पे प्रोटीन बाइंड करेंगे हम्म मान लो कि यहां पे आपके प्रोटीन बाइंड कर गया इधर बाइंड कर गया प्रोटीन ठीक है तो प्रोटीन क्या हुआ यहां पे बाइंड कर गया ठीक है अब क्या कर रहे हैं हम जो कंट्रोल है ठीक है ये रहा हमारे पास कंट्रोल जिसको हमने ट्रीट नहीं कराया किसी भी प्रोटीन के साथ नहीं ट्रीटमेंट दिया हमने ओके वी डिडेंट ट्रीट यू कैन से डी एन ए विदैट एनी काइंड ऑफ प्रोटीन नाउ द नेक्स्ट थिंग इज के अप्लाई इन दोनों को ट्रीट करो डी एन एज के साथ किसके साथ डी एन और डी एन दोनों को डी एन एस का ट्रीट करो अब डी एन कट कहाँ लगा? अच्छा डी एन एस का जो ट्रीटमेंट देना वो इस तरह से देना हम कंसनट्रेशन ऑफ डी एन ए टू बी सेट इन दिस वे दैट सिंगल कट और सिंगल कटिंग विल बी डन इन ईच डीएनए ऐसे नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट साइड पर डिफरेंट डिफरेंट कटिंग हो रही है वी नीड टू मेक वन सिंगल कट ऑन डीएनएसोटीन वन विदाउट प्रोटीन ओके ना द डीएनए कट लाइक दिस इट विल कट हेयर इट कैन कट हेयर इट कैन कट हेयर इट कैन कट हेयर इट कैन कट हेयर ओके एंड हेयर In this case, it can cut here, 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 here also means some some different side will take. Say this side and this side. Means the cutting side, like here is a cutting side, but you will not find a cutting side here. Okay, that simply means that simply means a key where the DNA bounded with the protein That site will not recognize by DNAs and not lead to be cut Okay, now then next thing is go for this agro gel electrophoresis Or you can say page you can go for that now say here we have our two experiment and one ladder will take one ladder experiment and one is control control mean with no protein treatment now when you go for say agro electrophoresis so here you will find the band like this and you will find in the control you will find the band like this. so you will find here some bands are missing this is okay say there is a ladder also okay so you can find it out okay in case of experimental one some fragments are missing hai na, which is being shown here means these fragments so I'll say these two fragments these two fragments hai na, are not present here means बाइंडिंग जहां पर प्रोटीन की बाइंडिंग है डीएनए से सो बट आई कैन से दीज फ्रेगमेंट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस दीज फ्रेगमेंट रिप्रेजेंट एन डीएनए सीक्वेंस वेयर द प्रोबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू बी बाइंडिंग इज मोर और वेयर द प्रोटीन इंड ओके तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वो डीएनए एन फ्रेगमेंट्स हैं ये वाले जो दो मिले हैं कि जहाँ पे जो आपका प्रोटीन है बाइंड हो रहा है ओके okay, तो ये हम इसको बोलते हैं डी एन एज प्रिंटिंग ओके तो आयुष क्या आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच हैव अ टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में